हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ से इंटर्नशिप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। नॉर्मली हर साल जो ये इंटर्नशिप एप्लीकेशन है वो मार्च के मंथ से स्टार्ट होती थी, बट इस बार यहाँ पे फेब के मंथ में ही आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। जो ये इंटर्नशिप आप लोगों की होने वाली है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप होने वाली है। यानी कि इस इंटर्नशिप में आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उन प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है इस इंटर्नशिप में। तो आप सभी स्टूडेंट को इस इंटर्नशिप के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले गाइस, एक और अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी के फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा। जो भी लोग कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट को देने वाले हैं। यहाँ पे 28 लाख प्लस की स्कॉलरशिप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दी जा रही है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है स्कॉलरशिप टेस्ट में तो आप लोगों को अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है। यानी कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को फ्री में भी मिल सकता है रैंक 1 से 4, और जो इसके अबव रैंक आती है उनको भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में। तो साथ ही साथ एक और अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कैट एग्जाम या फिर किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी के जो बैचेस होते हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के, वीकेंड बैचेस हो रहे हैं, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि डिफरेंट बैचेस डेट्स के आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर इंडिया के टॉप कैट एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे इन बैचेस में। यहाँ पे 800 प्लस आवर्स का आप लोगों को कंटेंट मिलता है, नोट्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं कैट एग्जाम 2022 या फिर 23 क्लियर करने में। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कूपन कोड में ट्रिकी मैन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। या फिर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ट्रिकी मैन आप लोग कूपन कोड में लगाइएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एक और नया फीचर भी लॉन्च किया गया है, आस्क अ डाउट फीचर। इस फीचर की हेल्प से आप लोग अनअकैडमी ऐप या फिर वेबसाइट पे अपना कोई भी डाउट डायरेक्टली अनअकैडमी एजुकेटर से बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हो। एक फोटो अपलोड करके आप लोग अपने डाउट का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी इन सभी चीज़ों की, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, उसमें आप लोग सभी स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे आप लोग पोस्ट में सारी डिटेल्स पढ़ के उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की, तो यहां पे अगर हम ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो यहां पे इंडिया में थर्ड नंबर पे नॉर्थ जोन में ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज को आया जाता है। तो ऐसे फैकल्टीज की तरफ से आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप मिलना एक बहुत ही अच्छा मौका होता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पे आप लोगों के लिए यहां पे एक नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी किया गया है जिसमें लिखा है समर इंटर्नशिप 2021 ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो इसको ही हम लोग ओपन करते हैं। यहीं पे कंप्लीट डिटेल है इस समर इंटर्नशिप के बारे में जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं आज ही से। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ डिटेल्स जाननी होगी कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप लोगों के, कौन कौन एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए, क्या क्या आप लोगों को प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिपल आई टी दिल्ली कॉलेज के जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं वही आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना सिखाएंगे। तो अगर आप किसी दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों को इस इंटर्नशिप में जरूर अप्लाई करना चाहेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। अभी मैं दिखा दूंगा एक एक करके कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है क्या क्या है। 3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे, 3 प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होगा। जो लास्ट डेट है वो इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने की वो आपको 31 मार्च कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा इस इंटर्नशिप का वो 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोग की जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो 6 मई से स्टार्ट होगी। यानी अभी जस्ट आपको अप्लाई ही करना है, अभी फेब मंथ चल रहा है, अप्लाई करना है आप लोगों को। जो इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी उसमें टाइम है, तो अप्लाई तो जरूर कर देना आप सभी स्टूडेंट इसके लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक एक करके इस प्रोसेस के बारे में, उससे पहले एक और अपडेट है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के लिए। वहां पर मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बताता रहता हूँ, मैथ क्लासेस फ्री बताता रहता हूँ, जिससे आप लोगों की स्किल्स बढ़ सकती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप की। तो यहां पे आप लोगों को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यहां पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि गूगल के थ्रू आप लोग फिल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग यहां पे
हॉस्टल बुकिंग भी कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर आप लोग हॉस्टल बुक करके वहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, बट उसके अलग से चार्जेस होते हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चार्जेस की अगर हम बात करें 3700 पर मंथ आपको हॉस्टल के चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आप लोग हॉस्टल अडॉप्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो जो भी लोग इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे इस इंटर्नशिप के लिए उन्हें 5000 पर मंथ दिया जाएगा यहाँ पे स्टाइपेंड। तो ये एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, उनको यहाँ पे सीखने को भी मिलता है, प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप है क्योंकि, और स्टाइपेंड भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे करीब 25+ प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग फील्ड के प्रोजेक्ट हैं, कोई 2 मंथ्स का है, कोई 3 मंथ्स का है। यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स के भी नाम है जो भी ट्रिपल आईटी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे जैसे एक मल्टीमीडिया एंड एआई का ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग फॉर वायरलेस नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा किस में आपकी स्किल्स ज़्यादा बेटर बढ़ सकती हैं, वो प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो एक एक करके आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, 25 प्रोजेक्ट्स हैं, अपने हिसाब से आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है आप लोगों को। फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई हेयर का बटन दिया गया है, यहाँ से आप लोग अपने गूगल का अकाउंट बना के क्लियर कर सकते हैं। आप लोग अपनी जीमेल आईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई कॉलेज आईडी की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने फॉर्म फिलअप आ जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कॉलेज का नाम देना है, उसके बाद आपकी सीजीपी क्या रही है अभी तक कॉलेज में, अगर आप अभी फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर तक कितनी सीजीपी रही है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो ग्रेजुएशन में कितनी सीजीपी आप लोगों के लिए रही थी। उसके बाद इनमें से आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आपको पता है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो के बारे में आपको सभी को पता ही होगा, लिनक्स के बारे में भी आप लोगों को आजकल पता ही होता है सभी को। उसके बाद अदर स्किल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी वो सारी स्किल्स लिखनी होती हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो भी स्किल्स आप लोग थोड़े बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो सारी स्किल्स आप लोगों को यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट डेट की बात करें इंटर्नशिप की, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मई मंथ की कोई भी स्टार्ट डेट फिल कर देनी है, उसके बाद 2 महीने के बाद के एंड डेट कोई भी फिल कर देनी है, 3 महीने के अपने हिसाब से जितना फ्री आपके पास टाइम है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपना अपलोड कर देना है, रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बनाइएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग हॉस्टल रिक्वायर्ड में यस नो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताई दिया आप लोगों को, साइनअप पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आपका अकाउंट बन चुका है ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट काम होगा, आप लोग को यहाँ पे 0 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्लाई दिखाई दे रहा है, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स अप्लाई करने हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी प्रोजेक्ट्स के नाम आ जाते हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, प्रोजेक्ट के जो टीचर हैं मेंटर हैं आपके उनका आ जाता है, ड्यूरेशन क्या होगा उस इंटर्नशिप का वो आ जाता है। तो यहाँ पे ये सारी अच्छी बातें आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया हुआ है, तो आप लोगों को जस्ट अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और एक एक करके यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट आप लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिए 3 प्रोजेक्ट, यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट लिखा आ चुका है, मैंने एक एक करके सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं। उसके बाद आई थिंक हम नहीं कर सकते हैं, 3 के ऊपर हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फाइनल 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को वेट करना है 15 अप्रैल का, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा इस इंटर्नशिप का वो 15 अप्रैल तक आप लोगों को आपकी मेल आईडी पर बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद आपकी मेल आईडी पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।